له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس شمست جہان میں جتنی چیزوں کی سرشتی کی ان میں ہم کو مانوش سرب و سرشت بنایا. کریٹ کی ہوئی چیزوں میں سب سے بیسٹ کریشن انسان, اشرف المخلوقات بنایا. اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں, بولنے کے لیے زبان, جبہ دیا, کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں, دل, دماغ, جگر, معدہ, اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ مانوش گننا نہیں کر سکتا. کاؤنٹ لیس نعمتیں. فرمایا وجعلناکم فی الارض خلیفہ. میں نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا. یعنی اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ تم سے پورا کروائیں گے. تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اور کاؤنٹ لیس نعمتیں عطا فرمائی. گننا نہیں کر سکتے, کرتے پارے نہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جدی گننا کرنا بھی چاہو, کاؤنٹ کرنا بھی چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. پھر یہ زمین, آسمان, ندی, نالے, دریا, ہوا, پانی, گاچھ, جانور, جتنی چیزیں اس شمست جہان میں پیدا کی, بنائی, کریٹ کی, سب مانوشر جن ہمارے لیے. الدنیا خلقت لکم, دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. اس کو کریٹ کیا گیا ہیومن بینگ کے, انسان کے لیے. مانوشر جن تو اس باڈی میں, اس شریر میں جتنی نعمتیں دیں مانوش ان کی گننا نہیں کر سکتا. اور اس مانوش کے لیے اس شمست جہان میں جتنی چیزیں کریٹ کی گئیں مانوش اس کی بھی گننا نہیں کر سکتا. جب گننا نہیں کر سکتا تو شکر کیسے کرے گا؟ جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو شکر کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے مانوش کو, انسان کو مجبور بنا دیا, کچھ نہیں کر سکتا, شکر بھی نہیں کر سکتا, جو بھی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اور پھر ایمان عطا فرماتا ہے. بغیر مانگے, بنا چیشٹا کیے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے, اپنے فیصلے سے, ہم تو جانتے بھی نہیں تھے, پوچھتے بھی نہیں تھے,
बस अल्लाह ने मुसलमान माँ बाप के घर पैदा कर दिया, ईमान मिल गया। जरा बोलना आया तो माँ ने कलमा सिखा दिया। हो सकता है हम मानुष होते, इंसान होते, किसी ऐसी जगह पैदा होते कि सब कुछ मौजूद होता, देखते होते अल्लाह की निशानियां, ईमान से महरूम रह जाते तो क्या होता? जरा सोचिए, चिंता कीजिए। यदि किसी ऐसी जगह पैदा, हमसे ज्यादा अकलमंद लोग दुनिया में मौजूद हैं, पढ़े लिखे मौजूद हैं, को तो बुझ रहे नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे होंगे, नहीं कुछ हैं जो बंगला भी नहीं जानते। अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से हमको ईमान आता है। ईमान मिल गया तो जीवन ईमान पर हो और मौत ईमान पर आ जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, मानुष बनाया, और इंसानियत का, मानवता की मेराज दे दी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मती बना के दे। यदि ईमान भी होता और किसी और नबी की उम्मत में, किसी और जमाने में पैदा हुए होते तो ये स्पेशलिटी तो नहीं मिलती ना कि अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये स्पेशलिटी अल्लाह ने अता फरमा दी इस जमाने में पैदा करके, यानी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनते। यदि मानुष मानुष हो, ईमान वाला हो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हो, तो उसे कुछ और भी चाहिए, किसी और चीज की दरकार होती है? सब मिल गया, बस ये बाकी रहे और मौत भी इसके साथ आ जाए। चिंता काहे की है? ये बाकी रहे हमारे पास और हमारी मौत इसी पर आ जाए, बस हमारा काम हो गया। कैसे होगा? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से उनके किसी शागिर्द ने, मुरीद ने पूछा, हजरत इतना अल्लाह का जिक्र आप करते हैं तो आपको क्या चाहिए अल्लाह मियाँ से? तो वो कह सकते थे मुझे अल्लाह मियाँ का क़ुर्ब चाहिए, कह सकते थे ना, बोल सकते थे, नहीं, ईमान पर मौत चाहिए। मरते समय ईमान के साथ चला जाओ, बस ये चाहिए। इसके लिए मैं इतना ज्यादा अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, इसके लिए नहीं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं कि मैं हवा में उड़ने लगूं, पानी पे चलने लगूं। उनका एक मुरीद था, 12 साल से हजरत की खिदमत में था। उसने कहा, हजरत 12 साल हो गए मैंने कोई करामत नहीं देखी। करामत बुझते हैं? मैंने कोई करामत नहीं देखी, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं तो अब जाऊंगा, कोई और पीर देखूंगा। चले जाओ, कोई बात नहीं, मैंने बुलाया नहीं था, तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, तुम जाओ, जाना चाहते हो जाओ। अल्लामिया की आदत भी यही है, अल्लामिया के दरवाजे से, अल्लामिया के दरबार से कोई जाना चाहता है अल्लामिया छोड़ देते हैं, जाना चाहे जाओ, और आने कोई आना चाहता है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। कोई जाना चाहे उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं, कोई आना चाहे उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं अल्लामिया के। हजरत ने भी यही कहा, बुलाया नहीं था, आ गए तुम, रह रहे थे, अब जाना चाहते हो जाओ। फिर पूछा, मुझे बताओ कभी तुमने मुझे सुन्नत के खिलाफ कोई काम करते देखा? तो वो सोच में पड़ गया, चिंता करने लगा। थोड़ी देर के बाद बोला, मुझे तो याद नहीं आता। तो कहा, बस इससे बड़ी और भी कोई करामत चाहते हो तो? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني। आप कह दीजिए, अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमा रहे हैं,
अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितना खूबसूरत अंदाज है अल्लामिया, कुरान करीम है, अल्लाह की बानी है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला खुद कह सकते थे, नहीं फरमा रहे हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप कह दीजिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप इनको बता दीजिए, इनको चेता दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, यदि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, यानी जो लोग अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते या अल्लाह से मोहब्बत का दावी दावा नहीं करते, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, वो जाए जहां जाए जाए, अल्लाह मियां को कोई मतलब नहीं, अल्लाह मियां को उनसे भी कोई मतलब नहीं है, और अल्लाह मियां को हमारे सजदों की भी कोई जरूरत नहीं। हमसे बड़ी जमात मौजूद है उसके पास सजदे करने के लिए और उसकी बात मानने के लिए। हमारे दरकार है, हमारी जरूरत है कि हमारा सर उसके सामने झुक जाए। सर झुक गया, दिल नहीं झुका, कुत्ता बुझ रहे हैं, दिल नहीं झुका, कैसे पता चलेगा दिल झुका है या नहीं झुका है? फरमाया यदि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या कहो? अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे, आप डिक्लेयर कीजिए, आप बताइए, यदि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, फत्तबिउनी, मेरे रास्ते पर चलो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप फरमाइए। ध्यान रहे, अल्लामिया नहीं फरमा रहे, अल्लामिया फरमा रहे हैं अपने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक इस्तेमाल फरमा रहे हैं। कितना खूबसूरत अंदाज है और कितनी बड़ी बात है, पूरा मैसेज दे दिया है इसे एक आयत में। फत्तबिउनी, तो मेरे रास्ते पर चलो, मेरी सुन्नत पकड़ लो। अब सुन्नत दो तरह की होती है, यहां रोक करके मैं उस आयत को पूरा करूंगा, लेकिन बीच में एक बात बता दूं जल्दी से, क्योंकि 5-6 मिनट में मुझे अपनी बात पूरी करनी है, कथा शेष करनी है। तो अल्लाह ताला अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दो तरह की हैं। एक सुन्नत है आपके मामूलात की, मामूलात को बंगला में क्या कहेंगे? वो तो मामूलात, ये मामूलात, यानी कैसे कैसे नमाज पढ़ोगे, कैसे नमाज में क्या क्या सुन्नतें हैं, वजू की क्या सुन्नतें हैं, सोने की क्या सुन्नतें हैं, खाने की क्या सुन्नतें हैं, पीने की क्या सुन्नतें हैं, ये सारी सुन्नतें मामूलात की सुन्नतें हैं। मामूलात को क्या कहेंगे? काजकर्मों, कितनी ज्यादा इंग्लिश में बताते रूटीन की सुन्नत, रूटीन की सुन्नतें हैं, नियम कानून, और एक है मुआमलात की सुन्नतें। बिजनेस कैसे करोगे, भिक्षा कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, बीवी के साथ कैसे होगे। यहां तो लोग वैसे भी डर के मारे बीवी के साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर अगर अल्लाह से मोहब्बत की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनके रास्ते में चलने की वजह से आप बीवी के साथ अच्छे होंगे और उसकी खराब बात को भी बर्दाश्त करेंगे, तो आपके लिए इनाम होगा। आपको तो बुझ रहे हैं ना, बीवी के साथ कैसे होंगे, बच्चों के साथ कैसे होंगे, छोटे बच्चों के साथ कैसे होंगे, बड़ों के साथ कैसे होंगे, ये सब कानून नियम भूल जाइए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे तो इस कानून से भी ज्यादा आप फॉलो करने वाले हो जाएंगे। आप पड़ोसियों के साथ कैसे होंगे, भाई के साथ कैसे होंगे, बहन के साथ कैसे होंगे, ये है मुआमलात। मुआमलात को क्या कहेंगे मौलाना? डीलिंग्स। मामूलात की सुन्नतें और मुआमलात की सुन्नतें।
हम लोग मामूलात की, जो दीनदार लोग हैं, मामूलात की सुन्नतें, रूटीन की सुन्नतें तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो डीलिंग्स हैं उनको भूल गए। गोश्त की दुकान पे जाएंगे तो हलाल चाहिए, ये पता नहीं जेब में जो पैसा लेके घूम रहे हैं वो पहले से हराम है। मैं ये नहीं कहता कि आप हलाल मत ढूंढिए, हलाल जरूर ढूंढिए, लेकिन दोनों जगह ढूंढिए ना, कमाई में भी और खाने में भी, वो तो असल है। आप कितना भी हलाल खाएंगे अगर कमाई हराम है तो हलाल कहां से हलाल हो गया, क्या हलाल हो गया, दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ कबूल कब होगी? जब हलाल रोजी होगी। अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते दुआ, अल्लाह का कमिटमेंट है तुम मुझसे मांगोगे मैं अता करूंगा, लेकिन कंडीशंस के साथ है ना। कंडीशन क्या है? हलाल रोजी होनी चाहिए। अब रोजी हलाल नहीं है और ढूंढ रहे हैं वो क्या कहते हैं अल्लमिया से, नहीं गोश्त हलाल है तो भूल जाइए, अल्लमिया से कहते हैं हमारी तो दुआ कोई सुनता नहीं, वो दुआ करने के लिए वो क्या नाम है हुजूर आएंगे, पानी पे फू मार दो। अरे भाई पानी पे फू मारने से क्या फायदा होगा? तुम्हारी फू से फायदा हो जाएगा अगर तुमने हलाल रोजी रखी और अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ रखा। तो फरमा रहे हैं, बस मैं खत्म करूंगा, शेष करूंगा, फरमा रहे हैं قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم। देखिए मोहब्बत ऐसी चीज है कि आपने मोहब्बत करी, यदि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आपका दावी है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना। मोहब्बत कौन नहीं करता अल्लाह मियां से मोहब्बत? कोई है? सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये दावी है हमारा, रियलिटी नहीं है, माफ करिएगा, रियलिटी तो कुछ और है। अब अल्लाह मियां क्या कह रहे हैं, आप अगर मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ना फत्तबिउनी, मेरा इत्तबा करो, मेरे रास्ते पर चलो, मेरे पद चिन्ह पर चलो, तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, अल्लाह आपको अपना महबूब बना लेंगे। तो हो गया ना, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? अब ये टू वे ट्रैफिक है, वन वे नहीं है, खाली हम नहीं मोहब्बत करते, हमारे अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करते हैं। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया, बख्श दिया जाए। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगेंगे, चाहने लगेंगे, तुम चाहे जाने लगोगे, तो फिर किसी और के लिए किसी और से फूंक मरवाने की जरूरत रहेगी? रहेगी? सुन लीजिए, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, कोई नबी नहीं आने वाला है। आने वाला है? कोई अगर मानेगा तो ईमान रहेगा, चला जाएगा, चला जाएगा, कोई नबी नहीं आने वाला है, लेकिन नबूवत के अलावा सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप चेष्टा करेंगे, रास्ते सारे खुले हुए हैं और रास्ता रास्ते से आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, छुपा हुआ रास्ता नहीं है, रास्ता समझ रहे हैं, रोड में बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अल्लाह को मानिए, रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलिए, उनको फॉलो कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मैसेज है, बस यही मैसेज है। आप अल्लाह को मानेंगे, अच्छा अल्लाह को तो सब मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते को तब गुजरे हैं। अल्लाह को मानना अलग चीज है और अल्लाह की मानना अलग चीज है। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की पानी नहीं मानते, अल्लाह की बात नहीं मानते, तो अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, उनकी सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, खुसूसन मामलात में। मामूलात की सुन्नतें छूट सकती हैं, मामलात की सुन्नत नहीं छूट सकती, उसकी माफी नहीं होगी।
फिर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देंगे ऐसे लोगों को जो रहम नहीं करेंगे हमारे, वो तो बुझ रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत और कामिल ईमान अता फरमाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फॉलोअर बनाए, उनके मामूलात और उनके मुआमलात दोनों को मजबूती से पकड़ने के। फरमाया अना खैरुकुम खैरुकुम लिअहलि, अना खैरुकुम 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 लिअहलि, तुम्हें बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। यूं नहीं कहा अपने घर वालों को ठीक करना है, तुम्हें ठीक हो जाना है बस, घर वालों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हमारे खुद के ठीक होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर अच्छा होना चाहिए, मिसाली घर होना चाहिए, मिसाली। चलिए अल्लाह ताला हमें सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة